नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास चर्चा में। आज हम चर्चा करेंगे हमीरपुर और ललितपुर पर। वहां के विधानसभा के हालात कैसे हैं, क्या वहां पर सड़कों का हाल है, क्या वहां पर सुरक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, शिक्षा व्यवस्था कैसी है, क्या वहां नौजवानों के पास नौकरी है, ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश हम अपने सहयोगियों से करेंगे। हमीरपुर से अब्दुल सिद्दीकी मेरे सहयोगी जुड़ेंगे मेरे साथ और ललितपुर से रुपेश जैन मेरे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये तस्वीरें देखिए, ये जो स्कूल है ये तो ठीक ठाक देखने में लग रहा है, लेकिन इसमें बच्चे कितने जाते हैं और शिक्षक कितने पढ़ाने आते हैं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जो सड़कें हैं वो खस्ताहाल ज़रूर नज़र आती है। इसी तरह की तस्वीरें ललितपुर की भी हैं। ललितपुर में भी हालात जस के तस बने हुए हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना की हम बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ घर ऐसे हैं जो पूरी तरह से अभी भी कच्चे हैं और कभी भी ये घर जो हैं वो ज़मींदोज हो सकते हैं। बरसात में, आंधी तूफान में बड़ा नुकसान हो सकता है। 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारियां कर चुकी हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी सत्ताधारी पार्टी जो 5 सालों का जो कामकाज है वो जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है और उसी के दम पर चुनाव लड़ रही है। वहीं जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि इन 5 सालों में कुछ नहीं हुआ है, आम जनता पूरी तरह से त्रस्त है, रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं, किसान त्रस्त है, बच्चों की जो सुरक्षा है, बच्चों की जो स्वास्थ्य है, बच्चों की जो शिक्षा है वो पूरी तरह से खराब होती हुई नजर आती है। तो चलिए बिना देर किए सीधे रुक करूंगी मैं हमीरपुर से। अब्दुल सिद्दीकी मेरे साथ जुड़ गए हैं, ललितपुर से रुपेश जैन मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं हमीरपुर जाऊंगी और हमीरपुर में जो विधानसभा है उनके हालात जानने की कोशिश करूंगी। अब्दुल, हमीरपुर में हालात कैसे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं, हमीरपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और यहाँ पर जो चुनाव चल रहा है वो काफी जोरों शोरों से उसकी तैयारी की जा रही है और यहाँ पर हर पार्टी अपनी अपनी जनादेश ढूंढने पर लगा हुआ है और अपनी अपनी कवायद उनको ढूंढने पर लगे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सक्रिय होती नजर आ रही है। जी, और बात की जाए विधानसभा की, तो हमीरपुर विधानसभा में जहाँ पर रोड की व्यवस्था अगर आपको बता दी जाए तो यहाँ पर रोड पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। सरकारें कई आई हैं, कई चली गई, लेकिन यहाँ पर जो रोड की व्यवस्था है, जो जनपद को जोड़ती है, जो वहाँ की लिंक रोड है, वहाँ पर आज भी रोड वो ध्वस्त हो चुकी है, गड्ढा युक्त हो चुकी है पूरी। वो सिर्फ ये है कि केवल कागजों पर ही चढ़ा हुआ है लेकिन कोई उन पर निर्माण नहीं हुआ है। तो जनता का इस बार यही एक सबसे बड़ा मुद्दा ये होने जा रहा है कि अगर हमको अगर रोड नहीं मिलेगी, अगर हमको बेहतर शिक्षा नहीं मिलेगी, बेहतर रोजगार नहीं मिलेगा तो हम किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे। जी अब्दुल, अगर हमीरपुर की मैं बात करूं तो आज से यहां नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। जी, सुबह 11 बजे से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, 3 बजे खत्म होगी, उसको लेकर प्रशासन कितना अलर्ट है, क्योंकि कोरोना गाइडलाइंस के मद्देनजर और सुरक्षा के मद्देनजर पाबंदियां बहुत ज्यादा हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसको प्रशासन ने लेकर के चाक चौबंद इंतजाम कर लिए हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग करी गई है, रात तिराहे पर बैरिकेडिंग करी गई है, यहाँ पे रोहनिया के पास में बैरिकेडिंग करी गई है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, अपने अपनी जगहों पर वो कोरोना के गाइडलाइंस को भी पालन करवा रहा है और जो भी प्रत्याशी नामांकन के लिए आ रहे हैं उनको आदेश दिया गया है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए अब्दुल हमीरपुर की, तो हमीरपुर की जो विधानसभाएं हैं यहाँ पर कितना विकास अब तक हुआ है इन 5 सालों की मैं बात करूं, उससे पहले की बात हम बाद में करेंगे। जी जी अब्दुल, मेरी आवाज मिल रही है? नहीं मैम। चलिए ठीक है, मैं रुपेश का रुख करूंगी, ललितपुर से मेरे साथ बने हुए हैं। रुपेश, ललितपुर में हालात कैसे हैं विधानसभा चुनाव के मद्देनजर? इन 5 सालों में क्या आम जनता बीजेपी को वापस लाने की तैयारी कर रही है ललितपुर की, या नकार रही है सीधे? जी देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जो है विधानसभा चुनाव यहाँ पर शुरू होने वाले हैं
यहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जनपद ललितपुर में दो विधानसभा सीटें हैं जहाँ पर जो है बीजेपी समाजवादी पार्टी और अब जो है कल से बीएसपी भी मैदान में उतर कर आई है। जहाँ पर अभी जो देखा जा रहा था कि केवल भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में ही जो है लोग बाग मुकाबला मान रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे जो है समय बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते चले जाएंगे, तो हम और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है बीएसपी भी मैदान में उतर कर आई है और वहां पर जो है अब त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। जी जैसे कि जो अभी आपने पूछा है रुपेश, ललितपुर में जनाधार बीएसपी का भी बढ़ रहा है, ये कहने की आप कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो दोनों विधायक हैं, यहाँ पर जो सदर विधायक हमारे यहाँ पे रामरतन कुशवाहा है और महरोनी 227 से जो है मनोहर लाल कोरी और मन्नू कोरी यहाँ से जो है विधायक एवं मंत्री है, लेकिन जो जनता की उम्मीदें हैं उन उम्मीदों पर ना तो रामरतन कुशवाहा जी खरे उतरे हैं और ना ही मन्नू कोरी। यहाँ के जो लोग हैं उन दोनों ही विधायकों से काफी नाराज हैं। इन लोगों ने जो अभी तक जनता से वादे किए थे उन वादों को धरातल पे अभी तक पूरा नहीं किया गया है। जी वादे किस प्रकार के थे, क्या बताएंगे रुपेश? क्योंकि आप लगातार धरातल पर बने रहते हैं, दलितपुर की विधानसभाओं के हालात कैसे हैं वो आप बहुत बखूबी जानते हैं। जी मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से यहाँ पर जो है सदर 226 जो विधानसभा है, यहाँ पे एक थाना पूरा कला पड़ता है, एक छोटा सा कस्बा है, वहां पर जो है बच्चों की पढ़ाई की जो व्यवस्था है वो वहां पे टेंथ स्टैंडर्ड के बाद वहां पर जो है बच्चों के लिए पढ़ाई जो है सब नहीं हो पाती थी। इसको लेकर वहां पर ग्रामीणों ने कई बार विधायक को यहाँ पर एक एप्लीकेशन के माध्यम से, सांसद को एप्लीकेशन के माध्यम से, यहाँ तक कि जो है शिक्षा मंत्री तक वहां पर जो एप्लीकेशन के माध्यम से वहां पर पहुंचाया कि पूरा कला क्षेत्र चूंकि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है और वहां पर बच्चों की जो पढ़ाई है वहां पर सही ढंग से नहीं हो पा रही है, वहां पर एक इंटर कॉलेज की मांग की गई थी और इन लोगों ने मंच से वहां पर खड़े होकर कहा था कि इस पंचवर्षीय में वहां पर इंटर कॉलेज बना दिए जाएंगे, सड़क की व्यवस्था जो है बहुत शानदार की जाएगी, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है ललितपुर में। जी वो मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से इन लोगों ने जो आम पब्लिक है उन लोगों से जो वादे किए थे उन वादों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है, जिसके चलते आम पब्लिक नाराज बनी हुई है और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है अगर वो हमारे यहाँ पर आएंगे वोट मांगने के लिए तो उनको जो है उसी जो जिस भाषा को वो समझते हैं उसी भाषा से उनको जवाब दिया जाएगा। जी तो किसको गद्दी पर बैठाने की तैयारी है ललितपुर की जनता की? जी देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले जो माहौल था वो जो है जो आम पब्लिक है वो ये कहना चाह रही थी कि अभी हम आपको जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एवं समाजवादी पार्टी में सीधी टक्कर मान रही थी, लेकिन आज की जो स्थिति है वो स्थिति वहां पहुंच रही है कि कल जो 24 तारीख थी तो वहां पर जो यहाँ की जो बुंदेला बंधु परिवार है जो राजनीतिक परिवार माना जाता है तो कल वहां पर बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी से वहां पे टिकट लेके आए हैं और सदर विधानसभा से तो चुनाव लड़ने वाले हैं। कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर मुकाबला बेहद कड़ा है ये कहा जा सकता है। चलिए ठीक है रुपेश, आपका मैं रुक करूंगी, आप बने रहिए मेरे साथ, अब्दुल के पास जाऊंगी। अब्दुल जैसा कि अभी रुपेश से हमने जाना कि ललितपुर में त्रिकोणीय मुकाबला है, अगर हमीरपुर की हम बात करें तो क्या यहाँ पर मुकाबला सिर्फ सपा और बीजेपी के बीच है या बीएसपी और कांग्रेस भी कुछ कमाल कर पाई? जी मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो मुकाबला जो देखा जा रहा है वो सपा और बीजेपी के बीच में ही है, क्योंकि यहाँ से जो बीएसपी अभी अगर मैं आपको बता दूं तो सपा ने और बीजेपी ने अभी सदर विधानसभा से अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये लड़ाई अभी भी चल रही है। अगर मैं आपको बता दूं कि हमीरपुर की जो दूसरी विधानसभा है राज विधानसभा, वहां से मनीषा अनुरागी जी को दोबारा फिर से भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है, तो कहीं ना कहीं हमीरपुर की जनता में ये देखा जा रहा है कि हमीरपुर में अभी भी भाजपा और सपा ने दोनों ने ही अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। अब्दुल हमीरपुर का जो किसान है तो कहीं ना कहीं टक्कर, ठीक है। अब्दुल हमीरपुर का जो किसान है वो क्या कह रहा है, वो किस तरफ है?
जी हमीरपुर की अगर किसान की बात करें तो किसान की बहुत सारी समस्याएं हैं, जिससे जिससे वो कह रहा है कि इस बार जो चुनाव होगा वो पार्टी बेस पे नहीं होकर के व्यक्तित्व बेस पे होगा। जो प्रतिनिधि अच्छा होगा उसी को ही चुना जाएगा, जो उनकी समस्याओं को दूर करेगा, उनकी परेशानियों को समझेगा, उसी को ही वो जनता उसको वोट करेगी। तो कोई है ऐसा व्यक्ति व्यक्तित्व पर चुनाव लड़ने की तैयारी हमीरपुर की जनता कर रही है, कोई ऐसा चेहरा है जिस पर जनता भरोसा जता रही है? जी मैं अभी आपको बता दूं, अभी सपा ने और भाजपा ने दोनों ने ही अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, तो अभी ये कह पाना मुश्किल है कि कौन प्रत्याशी होगा और जनता किसको चुनेगी। अच्छा, इन 5 सालों में कितना विकास हुआ है हमीरपुर में? सड़कें कैसी हैं, स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं, शिक्षा व्यवस्था कैसी है, रोजगार क्या युवाओं को मिल रहा है? जी अगर विकास की बात करी जाए तो विकास धरातल पर कुछ नहीं है, धरातल पर बिल्कुल शून्य है। क्योंकि अगर बात विकास की करें तो सड़कें यहाँ की चौपट हो चुकी हैं, कहीं भी विकास नहीं हुआ है। बात अगर करी जाए स्वास्थ्य व्यवस्था की तो स्वास्थ्य व्यवस्था जो हमीरपुर की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चौपट है। जो हमीरपुर का सदर अस्पताल है वो केवल एक रिफर सेंटर बना हुआ है, यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। यहाँ पर मरीज आता है और उसको तुरंत कानपुर रिफर कर दिया जाता है, तो वो केवल एक सफेद बिल्डिंग हाथी के तरीके खड़ी हुई है, लेकिन उसमें कोई भी चिकित्सक उपचार नहीं हो पाते हैं, वो सिर्फ एक रिफर सेंटर बना हुआ है। ठीक है अब्दुल, और अगर महिलाओं की सुरक्षा की हम बात करें, क्योंकि कांग्रेस का तो नारा ही इतना बड़ा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इसके अलावा बीजेपी ये कहती है कि इन 5 सालों में हमने बहन बेटियों को, महिलाओं को बहुत ज्यादा सुरक्षा दी है। जी अगर महिलाओं की बात करी जाए तो महिलाओं में सुरक्षा यहाँ पर देखी जा सकती है, क्योंकि प्रशासन को लेकर के कहीं ना कहीं इंतजाम चुस्त दुरुस्त रहते हैं, इससे महिलाएं यहाँ पर सुरक्षित रहती है। लेकिन अगर बात करी जाए कि पूरी तरीके सुरक्षित है तो ये कहना अभी पूरी तरीके से उचित नहीं होगा कि यहाँ पे महिलाएं पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। जी बिल्कुल, और इसके अलावा यहाँ की अगर मैं बात करूँ हमीरपुर की, तो किसानों का तो रुख आपने बता दिया है कि व्यक्तित्व पर चुनाव लड़ने की कोशिश हो रही है, किसी चेहरे पर चुनाव लड़ने की कोशिश यहाँ हो रही है। इसके अलावा जो स्कूलों के हालात हैं वो हमीरपुर में कैसे हैं, क्योंकि कुछ तस्वीरें जो आपने हमें भेजी थी उन तस्वीरों में स्कूल के हालात बाहर से तो ठीक नजर आते हैं, लेकिन क्या शिक्षक वहाँ पहुँच रहे हैं, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई यहाँ पर डिग्री कॉलेज है? जी मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चौपट है, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षक पहुंचने में वहाँ असमर्थ रहते हैं, क्योंकि वहाँ की जो रोडें हैं इतनी ज्यादा ध्वस्त हो चुकी हैं कि वो वहाँ तक पहुंच नहीं पाते, और शिक्षक जो है वहाँ पे जब पहुंचेंगे नहीं तो बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। ठीक है अब्दुल, मैं रुक करूंगी आपका, जी मैं आपका रुक करूंगी। ललितपुर से रुपेश भी लगातार बने हुए हैं। रुपेश, ललितपुर के हालात आप हमें बता रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए कि यहाँ पर जो जनता है उसके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि अब बेहद कम समय बचा है, अब तस्वीर धुंधली नहीं है, अब धीरे धीरे साफ हो रही है। प्रश्न अपना दोहराएंगी रुपेश, ललितपुर की जो जनता है उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि अब समय बेहद कम है, तस्वीरें अब साफ होनी शुरू हो रही है। देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आपने जो प्रश्न किया है बिल्कुल सही प्रश्न है। यहाँ पर जो जनता है, जनता इस समय दुविधा में पड़ती जा रही है। जैसे जैसे जो है चुनाव के दिन करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो जनता है दुविधा में है। पहले जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जिस प्रकार से पहले जो है लोगों के मन में जो केवल जो कंपटीशन या उसकी भावना थी कि केवल अभी जो है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के जो प्रत्याशी है उनके बीच ही जो है अभी फाइट चल रही थी, लेकिन कल आने के बाद जैसे ही जो है यहाँ पर चंद्रभूषण सिंह बुंदेला और गुट्टू राजा, जो कभी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सहपाठी माने जाते थे, जब उनको समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिलता है और जब जाकर अभी जो है वो बीएसपी से टिकट लेके आते हैं, तब जाकर जो है ये मुकाबला त्रिकोणीय हो जाता है। जी रुपेश, ललितपुर में व्यवसाय के हालात कैसे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में जो सत्ताधारी पार्टी है लगातार ये कह रही है कि हमने व्यवसाय को बढ़ावा दिया है, जो छोटे व्यापारी हैं उनको हम बढ़ावा दे रहे हैं, विकास की गति को हम लगातार धार दे रहे हैं। ललितपुर में जो युवा है क्या उन्हें रोजगार मिल पा रहा है, व्यवसायी क्या खुश है? जी मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो है जो योगी जी की सरकार रही है या
जो है केंद्र में बीजेपी की सरकार रही है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही है, उन्होंने जिस प्रकार से जो युवाओं के साथ में वादा किया था या किसानों के साथ जो वादा किया था कि हम आपकी आय दोगुनी कर देंगे या जो बेरोजगार है उनको जो है हम रोजगार देंगे, लेकिन कहीं ललितपुर जनपद में तो ऐसा नहीं देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो है लोगों को रोजगार मुहैया हो रहा हो। यहाँ तक कि जो आपने बात करी है मंझले जो व्यापारी वर्ग है उनकी, तो आज की पहले भी जो है लॉकडाउन कोरोना के चलते तब से लेकर आज तक जो है जो व्यापारी छोटे व्यापारी है वो काफी परेशान है, और जो उनके जो 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 मतलब उनके जो है कई तो ऐसे व्यापारी है जिनको खाने के लाले पड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो योगी सरकार है हाँ वो इतना जरूर कर रही है कि यहाँ पर जो लोग हैं गरीब तबके के लोग हैं या जो है कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है तो वो जो है सस्ते राशन की दुकान पर जाकर या पर कंट्रोल के सहारे कुछ अपना जो है लालन पोषण के लिए कम से कम उनको राशन जरूर मुहैया हो रहा है। जी ठीक है अब्दुल, अगर मैं बात करूं हमीरपुर की तो हमीरपुर में कुछ तस्वीरें आपने ये भी भेजी है जहां पर अब भी कच्चे मकान जो हैं वो नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है, पहला सवाल तो ये है। इसके बाद दूसरा सवाल ये है कि ओडीओपी के तहत क्या वहां पर काम किया जा रहा है? अब्दुल आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। अब्दुल बोलिए। जी 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 मैं ये बता दूं आपको कि हमीरपुर में जो प्रधानमंत्री योजना के तहत जो मकान बनने थे वो अभी भी कुछ लोगों को लाभ नहीं मिल पाया, कहीं ना कहीं वो इनसे वंचित रह चुके हैं। और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक एक कार्रवाई होगी, जो कागजी कार्रवाई उनकी पूरी नहीं हो पाई या उनको वो अपना कागज पूरी तरीके से कम्प्लीट नहीं कर पाया जिससे उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। ओडीओपी के तहत क्या यहाँ पर काम किया जा रहा है? जी यहाँ पे काम किया जा रहा है ओडीओपी के तहत। उससे लाभ आम जनता को मिल रहा है? जी आम जनता को उससे लाभ भी मिल रहा है। अब्दुल यानी ये कहा जा सकता है कि ओडीओपी के तहत जो ये लगातार घोषणा की गई थी कि इसी के तहत काम किया जाएगा उससे कहीं ना कहीं जनता को लाभ है, इसका मतलब जनता खुश है बीजेपी के कार्यों से? जी जी जनता कुछ ना कुछ जनता को कुछ ना अगर कहा जाए कि सरकार ने कुछ नहीं किया है तो सरकार ने कुछ ना कुछ तो किया है जनता के लिए, और जनता को कुछ ना कुछ लाभ तो मिल ही रहा है क्योंकि जनता तभी सरकार से खुश भी है और कहीं ना कहीं निराश भी है। तो कुछ वादे सरकार ने पूरे करे हैं तो कुछ वादे पूरा करने में असमर्थ रही। अब्दुल इसका मतलब कि हमीरपुर में असमंजस की स्थिति है, कुछ भी साफ अभी कहा नहीं जा सकता, समय तो लेकिन बेहद कम बचा है, अब तो तस्वीरें साफ हो जानी चाहिए। जी मैं आपको बता दूं अभी भी प्रत्याशी घोषित नहीं हुए, इस वजह से अभी जो यहाँ की जो राजनीतिक प्रक्रिया है वो अभी क्लियर नहीं हो पा रही है क्योंकि अभी तक कोई प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ। लेकिन आप लोग तो जनता के बीच जाते हैं, जनता से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जो अभी विधायक हैं उनसे आपकी बातचीत क्या होती है, उनका क्या कहना है, उन्होंने कितना काम किया है, क्या जनता उनके कामों से खुश है, दोबारा उन्हें लाने की तैयारी कर रही है? जी अगर बात करी जाए विधायक जी की तो हमीरपुर में जो विधायक जी उन्होंने कुछ काम किए हैं, जनता उनसे कुछ खुश भी है कुछ नाराज भी है क्योंकि विधायक जी जो कह रहे हैं विधायक जी का कहना है कि मैंने सारा काम कराया हुआ है, जो भी योजनाएं मेरे पास आई मैंने उनको पूरा कराया, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के बीच वो योजनाएं नहीं पहुंच पाई है। तो इस पे कहीं ना कहीं प्रशासनिक कोई आपत्ति हो गई है या तो फिर कोई किसी तरीके से किसी मतलब जनता के बीच तक वो बात नहीं पहुंच पाई। उनका कहने का मतलब ये है कि हमने अपने तरफ से पूरी कोशिश करी, सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचाया है, लेकिन जनता के बीच अगर नहीं पहुंची है तो कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों की कहीं ना कहीं गलती रही है। ठीक है ललितपुर में रुपेश क्या विधायक के कामों से आम जनता खुश है? होती है तो कुछ लोगों का जो है साफ तौर पर कहना है कि जैसे कुछ लोगों की जो भावना जुड़ी रहती है भारतीय जनता पार्टी से तो वो लोग जो है साफ तौर पर जो है विधायक जी के कार्यों से खुश जरूर दिखाई देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बातें में जो न्यूट्रल होते हैं, जिनको ना तो जो है किसी राजनीतिक दल से मतलब होता है और ना जो है विधायक जी से मतलब होता है, तो उन लोगों का जो है साफ तौर पर कहना होता है कि जिस प्रकार से जो विधायक निधि का जो काम आता है या जो है विधायक जी वहां से काम लेके आते हैं तो यहाँ पर जो है लोगों को धरातल पे दिखाई दे देता,
मतलब उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी जो है लिप्त रहता है। ललितपुर का जातीय समीकरण क्या कहता है रुपेश? देखिए ये जो चुनाव है, चुनाव में जो जातीय समीकरण का जो मुद्दा होता है अति महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। यहाँ पर जो है ओबीसी सबसे ज्यादा माने जाते हैं, यहाँ पर जो है कुशवाहा समाज काफी ज्यादा मानी जाती है, उसके बाद जो है एससी और एसटी की जो है सेकंड रूप में आती है। तो यहाँ पर जो है ओबीसी जो प्रत्याशी है, प्रत्याशियों को भी जो है कम से कम जाति जो जनगणना है या जाति जो जो लोग हैं तो जाति के आधार पर ही यहाँ पर जो है प्रत्याशियों की घोषणा की जाती है। लेकिन इसके बावजूद एक और फैक्टर जो नया है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो युवा है करीब 50% जो युवा है, अब आगे आने वाला जो जो भी जो विधानसभा जो चुनाव है यहाँ पर 50% से अधिक जो युवा है वो ही अब जो है विधायक का फैसला करेगा कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में आखिर सदर विधानसभा 226 एवं मेहरौनी विधानसभा 227 का प्रत्याशी कौन होगा, विधायक कौन होगा। रुपेश, यहाँ की जो महिलाएं हैं उनका रुख क्या है, क्योंकि एक अहम रोल जो है महिलाएं चुनावों में निभाती हैं, क्या महिलाएं सुरक्षित हुई हैं? ललितपुर की महिलाओं के बीच आप जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्या कहती है ललितपुर की महिला? जी अगर महिलाओं की बात करें तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, यहाँ पर महिलाएं काफी सुरक्षित महसूस करती हैं। सुरक्षित महसूस के अलावा यहाँ पर थोड़ा सा क्राइम जरूर बढ़ा है। ललितपुर जनपद की अगर हम बात करें तो जो है आए दिन यहाँ पे क्राइम जो है देखने को लिए मिलता है, खासतौर से जो है महिलाओं के साथ भी और पुरुषों के साथ भी, तो जो है कम से कम क्राइम पर रोक लगाने की जरूर आवश्यकता है। जी तो ग्रामीण इलाकों में क्राइम ज्यादा बढ़ा है या शहरी इलाकों में? जी देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है जो शहरी इलाके हैं उसमें थोड़ा सा गिराव जरूर पड़ा है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर जो है अधिकांश जो है मात्रा में जो है किसान ही रहते हैं, तो उनको अपने किसानी से जो है जब फुर्सत मिलती है उसके बाद ही वो जो है घर से निकलते हैं और उनको इस चीज से मतलब नहीं रहता है कि आखिर क्या है, लेकिन जो है शहरी इलाकों में जरूर जो है क्राइम ज्यादा देखने के लिए मिला है। जी चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और हमीरपुर ललितपुर में कैसे हालात है चुनाव के मद्देनजर वो बताने के लिए। तो हमीरपुर में अभी तक जनता क्लियर नहीं हो पा रही है कि आखिर किसके साथ चलना है, लेकिन जनता के मन में क्या है वो तो हमें जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। ललितपुर में तस्वीर साफ है, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हम लौटेंगे किसी और विधानसभा के साथ, वहाँ के हालात कैसे हैं, वहाँ पर क्या इन 5 सालों में जनता खुश है या नहीं, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।